तो दोस्तों अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर पपला गुर्जर कोर्ट में पेश। फरार होने का पूरा मामला था सेट, क्या था पूरा मामला, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हरियाणा के नारनौल में गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया। उसकी दो मामलों में पेशी थी, एक बार वह महेंद्रगढ़ में पुलिस पर हमला करके फरार हो चुका है। इसको देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार और डीएसपी नारनौल नरेंद्र सागवान की ड्यूटी कोर्ट परिसर में ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई थी। वह दो बार पुलिस के हाथ आने के बाद फरार हो चुका था, इसलिए कोर्ट परिसर को एक छावनी में बनाया। पुलिस के हाथ से दो बार हो चुका है फरार। महेंद्रगढ़ में पुलिस पर हमला कर भागा था। राजस्थान के बैरोड थाने में मचा ऊंचा उत्पात। जी हाँ दोस्तों, पपला पर दो राज्यों में हत्या फिरौती कई जैसे अनेक मामले दर्ज हैं। हरियाणा और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर फिलहाल गुरुग्राम की बोर्डनसिक जेल में बंद है, जिसको जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच नारनौल कोर्ट में पेश किया गया। हरियाणा और राजस्थान में हत्या फिरौती और वसूली के अनेक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पपला गुर्जर उस समय सुर्खियों में आया था जब वह महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला कर फरार हो गया था। इसके बाद कई साल तक पुलिस उसका पीछा करती रही, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं होया था। करीब दो साल पूर्व पपला गुर्जर ने बैरोड थाने में जमकर उत्पात मचाया था और वहां पर पुलिस कर्मियों को थाने में ही बंधक बनाकर फरार हो गया था। इसके बाद गैंगस्टर पपला गुर्जर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुरम से गिरफ्तार किया था। पपला पर इस समय कई केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें से एक केस है महेंद्रगढ़ कोर्ट परिसर से भागने का। इसी मामले में गुरुवार को पपला गुर्जर को तारीख मिली थी। इसके अलावा नारनौल की एक कोर्ट द्वारा मामले में इसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। उस मामले में भी उसे आज कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को शक था कि गैंगस्टर पपला गुर्जर पहले की तरह फरार हो सकता है, इसलिए कुख्यात गैंगस्टर की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए थे। पपला गुर्जर कुख्यात गैंगस्टर है और दो बार पुलिस के हाथों से फरार हो चुका है, इसलिए कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कोर्ट परिसर में आने जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर फिलहाल गुड़गांव की बोर्डनसिक जेल में बंद है। उसको जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच नारनौल कोर्ट लाया गया। हरियाणा और राजस्थान में हत्या फिरौती एवं वसूली के अनेक मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर उस समय सुर्खियों में आया था जब वह महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला करके फरार हो गया था। इसके ऊपर अपहरण के अनेकों मामले दर्ज हैं। करीब दो साल पहले पपला गुर्जर ने साथियों के साथ मिलकर बैरोड थाने पर फायरिंग की थी और वहां से भी फरार हो गया था। ये दो मामले इसके फरार होने के बहुत बड़े हैं, इसलिए गैंगस्टर पपला गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया और बड़ी सुरक्षा रखी गई ताकि पहले की तरह गैंगस्टर पपला गुर्जर फरार न हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। गैंगस्टर पपला गुर्जर के कितने बड़े फैन हो। थैंक यू सो मच।